अब हम टैली में सबसे इम्पॉर्टेंट वॉचर सीखने वाले हैं। मैं इस वॉचर को इम्पॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, जिसका नाम आ रहा है आपके सामने में जनरल वॉचर। इसलिए क्योंकि सारी एडजस्टमेंट इस वॉचर में की जाती है। अब एडजस्टमेंट क्या होता है इसके बारे में भी हम समझेंगे। टैली प्राइम के इस कोर्स में मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूँ। आपको यहाँ पे दिख रहा है कि लिखा हुआ है जनरल वॉचर इज यूज फॉर एडजस्टमेंट इंट्री। एडजस्टमेंट इंट्री होती क्या है, अभी आपको मन में डाउट रहेगा, तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से यहाँ पे समझाता हूँ कि एडजस्टमेंट इंट्री क्या होता है। यहाँ पे आप दिख रहा है कि लिखा हुआ है परचेज लैपटॉप फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड लिमिटेड ऑफ रुपीज 35,000 ऑन क्रेडिट। क्रेडिट बेस पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम सामान को क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। आपके सामने में दो वर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं, पहला आपका लैपटॉप है और दूसरा आपका ऑन क्रेडिट है। ध्यान से पढ़िएगा इसे, ये इंटरेस्टिंग एंट्री है। परचेज लैपटॉप फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड लिमिटेड ऑफ रुपीज 35,000 ऑन क्रेडिट। आगे ऑन क्रेडिट वर्ड है, हमने जो लैपटॉप खरीदा है वह उधार खरीदा है। अब आप बोलेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, परचेज में एंट्री कर देंगे। लेकिन ध्यान से सुनिए, मैंने आपको ये बोला था कि जब भी आप गुड्स क्रेडिट बेसिस पे खरीदेंगे तो उसकी एंट्री परचेज में होती है। लेकिन ये लैपटॉप हमारा गुड्स नहीं है, हम इसे बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, हम इसे अकाउंटिंग के लिए खरीद रहे हैं। हमारा लैपटॉप परचेज सेल का बिजनेस नहीं है, हम कोई और बिजनेस करते हैं, लेकिन लैपटॉप हमें अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए खरीदना है, इसलिए लैपटॉप हमारा गुड्स नहीं होगा, ये हम अपने यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, तो इसका एंट्री तो परचेज में होगा ही नहीं। तो अब आपको बात समझ में आई होगी कि लैपटॉप का जो मेरा एंट्री पास होगा वह मेरा परचेज वॉचर में नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, मेरा गुड्स नहीं है, ये हम पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है पेमेंट वॉचर। क्या इसका एंट्री पेमेंट वॉचर में हो सकता है क्या, परचेज में तो नहीं हो सकता है क्योंकि ये गुड्स नहीं है। मैंने आपको दिखाया ये पेमेंट में हो सकता है, हमने कैश दिया क्या, ऐसा नहीं है कि हमने कैश दिया और लैपटॉप खरीद लिया, ऐसा नहीं है। हमने उधार लैपटॉप खरीदा है तो लैपटॉप उधार में खरीदेंगे तो ये पेमेंट में नहीं होगा, क्योंकि जब भी हम उधार बेसिस पे सामान खरीदते हैं, गुड्स खरीदते हैं, तो वो परचेज में होता है। बट ये आपका गुड्स नहीं है तो ये आपका पेमेंट वाउचर में भी नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे कैश दे नहीं रहे, तो ये आपका पेमेंट वाउचर में भी अभी नहीं होगा। आपको ये दोनों समझ में आ गया, तो यहाँ पे आपको परचेज वाउचर भी समझ में आ गया, इसमें भी आपका एंट्री नहीं होगा और पेमेंट वाउचर में भी आपका एंट्री नहीं होगा। तो ये एंट्री आखिर होगा किस में, जनरल वाउचर। क्यों, क्योंकि ये लैपटॉप ऑन क्रेडिट खरीदा गया है, तो ये एंट्री आपका होगा जनरल वाउचर में। आपको याद रखना है ये एंट्री करने का आपका सही तरीका है। अब जनरल वाउचर में ही क्यों, क्योंकि जनरल वाउचर आपको अलाउ करता है कोई भी ऑप्शन को क्रेडिट करने के लिए और डेबिट करने के लिए और एडजस्टमेंट करने के लिए। जनरल वाउचर आपको अलाउ करता है कोई भी क्रेडिट और डेबिट, मतलब क्या, मतलब क्या, परचेज वाउचर में आप देखेंगे या पेमेंट वाउचर में आप देखेंगे, वहाँ पे फिक्स डेबिट या फिक्स क्रेडिट ऑप्शन रहता है। जैसे आप पेमेंट वाउचर में जाओगे तो वहाँ पे कैश या बैंक में ही क्रेडिट रहेगा और दूसरा क्रेडिट नहीं होता है, लेकिन जनरल वाउचर में कुछ भी क्रेडिट या कुछ भी डेबिट डाल सकते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट करने के लिए ये वाउचर बना है, आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। डेबिट साइड या क्रेडिट साइड आप कुछ भी अकाउंट ले सकते हैं, जो रिक्वायर्ड है वही लेना है, कोई अकाउंट लेके चलेगा नहीं, कोई भी अकाउंट लेके चलेगा नहीं। फिलहाल ये एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये परचेज में क्यों नहीं है या पेमेंट में क्यों नहीं है और जनरल में क्यों है, आपको समझ में आया होगा। फिक्स एसेट्स खरीदा गया है और लैपटॉप फिक्स एसेट्स है। जब आप गुड्स उधार खरीदते हो तो उसका एंट्री आपका परचेज में होगा, यदि आप गुड्स को कैश बेसिस पे खरीदते हैं तो उसका एंट्री आपका पेमेंट में होगा। लेकिन आपने गुड्स नहीं खरीदा है, पहली चीज़ तो ये कि आपने फिक्स एसेट्स खरीदा है, वो भी आप कैश बेसिस पे नहीं खरीदे हैं, वो आप उधार खरीदे हैं। मैंने आपको यहाँ पे
ऑन क्रेडिट वर्ड को हाईलाइट किया है, फिक्स एसेट्स लैपटॉप के अंडर में जाएगा, फिक्स एसेट्स, और ऑन क्रेडिट वर्ड मैंने हाईलाइट किया है इसलिए जनरल वाउचर में आ जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको बताया जनरल वाउचर के एडजस्टमेंट की एंट्री के बारे में, मैंने आपको बताया कि एडजस्टमेंट एंट्री के लिए इसका इसका इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। जनरल वाउचर को आपको डिटेल में समझना है, जिस किसी को भी जनरल वाउचर समझ में आ गया तो वह अकाउंटेंट बन गया, क्योंकि सारी फाइनल अकाउंट की एंट्री होती है जनरल वाउचर में। जिनको जनरल वाउचर आता है वो एक्सपर्ट अकाउंटेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल आपको मैं दिखा रहा हूँ। परचेज लैपटॉप फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड लिमिटेड ऑफ रुपीज 35,000। यहाँ पे आपका लैपटॉप जो है वो होगा आपका डेबिट साइड और डिजिटल वर्ल्ड होगा आपका क्रेडिट साइड। और लैपटॉप जो है वो आपका फिक्स एसेट्स है, आपको पहले से पता है, और जो डिजिटल वर्ल्ड है उसको हमको पैसा देना है तो वो आपका सनरी क्रेडिटर है, मतलब उसको हम बाद में पैसा देंगे, अभी हम सिर्फ लैपटॉप खरीद ले रहे हैं, बट लैपटॉप मेरा क्या है, गुड्स नहीं है। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आज 31 मार्च है, अकाउंटिंग का क्लोजिंग है, आपको पता है फिनेंशियल ईयर के हिसाब में, हमारा इंडियन फिनेंशियल ईयर के हिसाब से 31 मार्च को अकाउंट का क्लोजिंग होता है। तो अकाउंट का क्लोजिंग करते वक्त मार्च महीने की जो भी सैलरी है एम्प्लॉय के, मार्च महीने में भी हम काम किए हैं तो उसकी सैलरी हम मार्च में नहीं देते हैं, उसकी सैलरी ऑफकोर्स आपको अप्रैल में देनी होती है। उसकी एडजस्टमेंट हमें पास करनी पड़ेगी, जो कि हम पास करेंगे सैलरी पेएबल, जो कि दिखाना होता है उस टाइम पे। ना आप उस समय पेमेंट यूज कर सकते हैं, ना आप परचेज यूज कर सकते हैं, ना रिसिप्ट, ना कॉन्ट्रा और ना ही सेल्स, आपको यूज करना होगा जनरल वाउचर। जी हाँ दोस्तों, एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे भी जनरल वाउचर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। सैलरी ही नहीं, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। मार्च मंथ के इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस रह सकता है, टेलीफोन बिल एक्सपेंस रह सकता है, ये सारी चीज़ें हम अप्रैल में पे करेंगे। तो जितने भी एक्सपेंस पेएबल हैं वो सब आपको दिखानी होती है, उसके लिए जनरल वाउचर होता है। इंश्योरेंस का प्रीपेड अमाउंट आपने पेड किया है वो भी आपको एडजस्टमेंट करना है, तो वो भी आपका जनरल वाउचर में होगा। ढेर सारी एंट्री होती है, ढेर सारी चीज़ें होते हैं जनरल वाउचर के अंदर। जनरल वाउचर एडजस्टमेंट के लिए होता है, टैक्स भी एडजस्टमेंट करना होता है तो वो भी आपका जनरल वाउचर में होगा। TDS टैक्सेबल भी रहता है, उसको भी हम लोग जनरल वाउचर में एडजस्टमेंट करते हैं। जनरल वाउचर से रिलेटेड हम ढेर सारी एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं। फिलहाल तो अभी हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो आपका यहाँ पे एंट्री है ये कैसे आपका बनेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, परचेज लैपटॉप फ्रॉम डिजिटल वर्ल्ड लिमिटेड ऑफ रुपीज 35,000 ऑन क्रेडिट, जिसका कि हम लोग एंट्री अभी करने वाले हैं जनरल वाउचर में, जिसका कि डेबिट साइड आपका क्या दिख रहा है, लैपटॉप दिख रहा है, और क्रेडिट साइड आपका दिख रहा है डिजिटल वर्ल्ड। तो इसका एंट्री हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए मुझे आना होगा टेलीप्राइम पे। तो मैं आ जाता हूँ अपने टेलीप्राइम पे। आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरा कंपनी खुला है, मुझे आना होगा वॉचर्स में। तो मैं यहाँ पे वॉचर्स में आ जाता हूँ, कीबोर्ड से वी प्रेस करेंगे जैसे ही तो वॉचर्स में पहुँच जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमको खोलना है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर का शॉर्टकट की क्या होता है, तो जनरल वाउचर का शॉर्टकट की होता है F7। जैसे ही आप कीबोर्ड से F7 बटन प्रेस करिएगा तो आपका यहाँ पे जनरल वाउचर खुल के आ जाएगा। और डेबिट साइड में आपको लैपटॉप डालना है तो कीबोर्ड से Alt+C करिए और यहाँ पे लैपटॉप का एक लेज़र तैयार कर लीजिए। लैपटॉप लिखने के बाद आपको इंटर बटन प्रेस करना है। अंडर में आपका क्या होगा, तो लैपटॉप हम लोग पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं वो भी आपका फिक्स एसेट्स में आ जाएगा। फिक्स एसेट्स लिखने के बाद आपको इंटर करना है, बाकी का कोई डिटेल यदि आपको डालना है तो डाल सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोल एसेस को सेव करा लेंगे। कितना में खरीदे थे लैपटॉप, तो 35,000 में खरीदे थे, तो यहाँ पे 35,000 हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद इंटर करेंगे। क्रेडिट में क्या होगा, तो क्रेडिट में हम लोग किससे खरीदें, डिजिटल वर्ल्ड लिमिटेड से करते हैं, तो Alt+C करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे डिजिटल वर्ल्ड। तो मैं यहाँ पे फटाफट टाइप कर लेता हूँ डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड लिमिटेड लिखने के बाद आपको इंटर करना है। उसके बाद अंडर में क्या होगा, हमको इसको पैसा देना है तो सनरी क्रेडिटर होगा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है अंडर में, सनरी क्रेडिटर। उसके बाद इंटर करेंगे। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल मैं आपको बताया था, तो आपको इसको यस रखना है तो रख सकते हैं, अभी हम इसको नो कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल एस को हम सेव करा लेंगे।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मेरा एंट्री क्या हो चुका है, बन चुका है। डेबिट में हम लोग ने यहाँ पे लैपटॉप लिया है और क्रेडिट में डिजिटल वर्ल्ड लिमिटेड। उसके बाद आपको नीचे नरेशन टाइप करना है। तो नरेशन इसका क्या होगा, तो मैं यहाँ पे नरेशन को भी टाइप कर लेता हूँ, बीइंग फिक्स एसेट्स परचेज ऑन क्रेडिट। मतलब हम उधार खरीद रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हमको दिखाना होगा कि हम यहाँ पे उधार खरीद रहे हैं। ऑन क्रेडिट लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे तो ये मेरा क्या हो चुका है, जनरल वाउचर कंप्लीट हो चुका है। यदि हमको देखना है कि ये एंट्री कहाँ पे दिखता है, तो आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ जी बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको दिखेगा डे बुक। तो आपको कहाँ जाना है, डे बुक में। तो यहाँ पे आपको डे बुक दिख रहा है, डे बुक पे आप जैसे इंटर करिएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा जो आप जनरल वाउचर का भी एंट्री पास किए वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आपको बैलेंस शीट में देखना है, तो आप अल्ट जी भी कर सकते हैं। अल्ट जी करने के बाद आपको इसमें बैलेंस शीट पे इंटर करना है। जैसे ही आप बैलेंस शीट पे इंटर करिएगा तो आपका यहाँ पे फिक्स एसेट दिखता है राइट साइड में टॉप में, आपको इस पे इंटर करना है और यहाँ पे आपको लैपटॉप का दिख रहा है। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं। तो आपको समझ में आया कैसे हम लोग यहाँ पे जनरल वाउचर का एंट्री पास करेंगे, क्या होता है जनरल वाउचर, क्यों करेंगे जनरल वाउचर में, और जनरल वाउचर में जितना भी एंट्री होता है सारा आपका एडजस्टमेंट से रिलेटेड होता है। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो थैंक यू।